कला का सर्वोत्तम केंद्र माना जाता है भारत। यहाँ के हस्तशिल्प अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये हस्तशिल्प भारतीय हस्तशिल्पकारों की रचनात्मकता को नया आयाम प्रदान कर रहे हैं। शिल्पकार भारत की विरासत को संजोए हुए हैं। ये कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी पारंपरिक कला को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे संवार रहे हैं। अपने जादुई स्पर्श से एक बेजान वस्तु को कलाकृति में बदलकर उसे नई पहचान दे रहे हैं। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम भी आता है, जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसी कलाओं का भारतीय संस्कृति में धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व है। कहने को शिल्प एक उत्पाद है जो कुछ उत्पादन तकनीकों और विशेष सामग्रियों के संयोजन पर निर्भर करता है। शिल्प उत्पादों को चित्रकारी में विभाजित किया जाता है। धार्मिक व सांस्कृतिक नगरी वाराणसी भी अपने शिल्प उत्पादों के लिए जाना पहचाना जाता है। इसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में है। बनारसी वस्त्र उद्योग के अलावा पारंपरिक शिल्प के रूप में प्रसिद्ध है काष्ठकला। काष्ठकला एक ऐसा हस्तकला है जो अपनी पहचान बनाए हुए है। काष्ठ को आम भाषा में लकड़ी कहा जाता है। वुडन आर्ट यानी काष्ठकला में कलाकार लकड़ी पर विभिन्न प्रकार के कलाकारी वस्तुएं बनाते हैं। वाराणसी में काष्ठकला खिलौने के रूप में प्रसिद्ध है। ये काष्ठकला दो प्रकार की होती है, जिसमें खिलौने बनाए जाते हैं उसे लेकर वेयर कहते हैं। ये कलरफुल बनाया जाता है, इसमें लाख का इस्तेमाल होता है। दूसरी काष्ठकला है जिसे वुड कार्विंग आर्ट कहा जाता है। काशी की खास कला है वुड कार्विंग। काष्ठकला शिल्प कला में वुड कार्विंग की बारीक कला का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस कला में कई ऐसे कलाकार हैं जो अपनी कई पीढ़ियों से इस कला को निखारने में लगे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी जी ने भी इस कला के कलाकारों की सराहना की है। वाराणसी जनपद विभिन्न शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी के खिलौने, हस्तनिर्मित खिलौने भी विश्व में काफी प्रसिद्ध हैं। वाराणसी में लकड़ी में दो तरह के काम होते हैं। एक वुडन लेकरवेयर का काम होता है जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ ही वुड कार्विंग का काम होता है जो कायमा की लकड़ी पर किया जाता है। इसमें बहुत सारे यूटिलिटी आइटम बनाए जाते हैं, अशोक स्तंभ बनाए जाते हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जिसकी डिमांड विश्व में बहुत ज़्यादा है। इससे जुड़े जो भी हस्तशिल्पी हैं वो विभिन्न तरह के आइटम, डेकोरेटिव के साथ साथ यूटिलिटी आइटम और जो भी टॉयज हैं वो भी बना रहे हैं, जिसकी डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। वर्तमान समय में कोविड काल की वजह से इनके प्रोडक्ट पर कुछ प्रॉब्लम आई, मांग कम हुई, लेकिन उसके लिए भारत सरकार अपनी तरफ से अभी टॉय फेयर का हम लोगों ने प्रोग्राम किया था जिसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। ऐसे ही इंटरनेशनल टॉय फेयर करने का भी प्रोग्राम है और विभिन्न तरह के मेलों में शिल्पियों को भाग लेने का मौका दिया जाता है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को बाज़ार में ले आ सकें, बेच सकें और सीधा उसका जनता से उनका संवाद हो सके और लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जान सकें। वुड कार्विंग आर्ट के शिल्पकारों के अनुसार उनके पूर्वज हाथी दांत की नक्काशी किया करते थे। उन्हें अपनी विशिष्टता के कारण मुगल सम्राटों और अंग्रेजों के शासनकाल में संरक्षण प्राप्त था। भारत सरकार द्वारा हाथी दांत पर प्रतिबंध लगाने के बाद वे वुड कार्विंग में स्थानांतरित हो गए। वुड कार्विंग में शिल्पी द्वारा कैमा की लकड़ी को अद्भुत तरीके से एक स्वरूप देने का काम किया जाता है।
खास बात यह है कि इसमें लकड़ी को बिना किसी मशीन के द्वारा काटे इस पर अलग अलग तरीके से विभिन्न आकृति उकेरी जाती है। कैमा की लकड़ी में रेशा नाम मात्र का और महीन होता है, इसलिए इस पर नक्काशी काफी अच्छे से हो जाती है। यदि इसमें हाथी या घोड़े बनाए जाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे हाथी घोड़े बनाए जाते हैं। कोई भी सजावटी या धार्मिक महत्व की कलाकृति बनाने में अंडरकट यानी एक के अंदर एक वस्तु आसानी से आकर्षक रूप में बनाई जाती है। यही वजह है कि ये कलाकारी दुनिया में प्रसिद्ध है। कैमे की लकड़ी आती है जो कि चिराई करने वाले चिराई करके हम टर्नर वालों को देते हैं। जैसा माल बनाना होता है, जैसे छड़ी है, नमकदानी है, लैंप है, पाउडर बक्स है, ये सब चीज़ें साइज वार बनती है, जो कि चिराई करने वाला जो है ये साइज वार जैसे 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची लकड़ी चीर करके और गोल करके जो है हम लोगों को टर्नर पर देता है, जो कि उसको हम खराद करके और बाकी सब डिज़ाइन काम करते हैं। जैसा ऑर्डर है रहता है वैसा उस तरीके से काम करते हैं। विशेषकर बुद्धिस्ट देशों की बात करें तो उन्हें भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियां पसंद आती हैं। पर्यटन का क्षेत्र होने के कारण वाराणसी में इन शिल्प उत्पादों की मांग ज्यादा है। बौद्ध धर्म से जुड़ने के कारण काशी में बुद्धिस्ट धार्मिक महत्व के अन्य सजावटी वस्तुएं भी इस आर्ट की पसंद करते हैं। ये वुड कार्विंग जो विधा है ये यहाँ पे बनारस की काफ़ी प्राचीन विधा है। वुड से ही, जैसे वुड में हमारे लेकरवेयर है और वुडन टॉयज हैं, उसी के साथ ये वुड कार्विंग है। कार्विंग में ये है कि वो हाथ से उस पर कार्विंग करते हैं। तब जैसे आपने देखे होंगे कि सारनाथ में, सारनाथ के अशोक के स्तंभ जो है हमारे राज चिन्ह है उसको बनाते हैं, और भी अन्य खिलौने और सब बड़ी बड़ी कलाकृति ये बनाते हैं। अपने हुनर से काष्ठ को कलाकृति का रूप देकर देश दुनिया में पहचान बनाने वाले वुड कार्विंग के कलाकार इस कला में खुद को समर्पित करके उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इस कला में खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरीके के केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें लकड़ी पर अलग अलग कलाकृति को बनाया जाता है और उसके बाद मोम से पॉलिश कर दिया जाता है। जैसे एक कच्ची लकड़ी होती है, फिर इसको टर्निंग किया जाता है, फिर इसकी डिब्बी बनती है। जब डिब्बी तैयार हो जाती है फिर इस पर कार्विंग कराया जाता है। कार्विंग के बाद फिर इसको हम लोग पॉलिश करते हैं, डस्टर लगा करके पॉलिश करेंगे तो ये ऐसे डिब्बी पॉलिश किया हुआ तैयार हो जाएगा। जैसे पॉलिश करते हैं तो इसको पूरी तरह से ध्यान देते हैं कि अच्छी तरह से पॉलिश इसमें हो जाए, चमक आ जाए अच्छी तरह, कहीं छूटा न कोना, ऐसे साइड साइड में राउंड राउंड करके ऐसे ऐसे घुमा घुमा के अच्छी तरह से पॉलिश कर लेंगे। जब पूरी तरह से पॉलिश हो जाएगा तो एकदम पूरी डिब्बी तैयार हो जाए, एकदम पूरी चमक आ गई, फाइनल हो गया। वो कार्विंग होने के बाद जो पॉलिश होती है, इसका मटेरियल देखिए ये है, पहले बफ ये आती है कपड़े की, कॉटन कपड़े की रहती है राउंडिंग में, तो इस तरह का पफ उस पर पॉलिश होता है। और ये देखिए बफ आपका होता कैसा, इस तरह का बफ होता है जो 10 इंच के डायमीटर में होता है, पूरा कॉटन का पूरा वेस रहता है इसका, और इसी से पॉलिश होता है। पॉलिश होने के बाद ये धीरे 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 इसकी कटिंग होते होते छोटी हो जाती है, और उस पर पॉलिश में ये लगाया जाता है आपका वैक्स, जो उसको लस्टर कहते हैं, ये इससे पॉलिश लकड़ी हैंडीक्राफ्ट में जो लकड़ी कार्विंग होती है उस पर की जाती है। वाराणसी के मशहूर वुड कार्विंग आर्ट के कारीगर अपनी आजीविका के लिए सीमित संसाधनों और वेतन भोगी श्रम पर निर्भर हैं। लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार असंगठित हैं और अपने उत्पादों को बेचने के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय विक्रेताओं और व्यवसायियों पर आश्रित हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें कारीगरी के सापेक्ष कम कीमत मिलती है। यहाँ पे वो प्लेन माल आता है, हम लोग यहाँ पे कार्बिन ऐसे ऐसे जैसे कार टर्निंग होकर आता है, यहाँ पे हम लोग कार्बिन करते हैं, और इसमें जो मेहनत लगती है तो लगती है, लेकिन बहुत
जैसे यहाँ पे का जैसे सामान वामान तो बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ बाहर से ही मंगाना पड़ता है हम लोगों का। वुड कार्विंग आर्ट के ज्यादातर शिल्पकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वे अपने हुनर की बदौलत अपनी आजीविका चलाते हैं। वुड कार्विंग के उत्पाद तैयार करने में घर के अन्य सदस्य भी, विशेषतः पत्नी भी इसमें हाथ बटाती है। 17-18 साल से हम काम करते हैं अपने पति के साथ। खर्चा नहीं सटत रहे, इसे अपन काम करे लगे। जो डिजाइन का काम हो कार्विंग का, वही काम हम करी ला। अब थोड़ा बहुत काम मिलत हो तो अपन वह करत खात बाई हम सब। जनपद वाराणसी में अधिकतर शिल्पकार हरहुआ से रामेश्वर जाने वाले मार्ग पर स्थित करोमा गांव में रहते हैं। यहाँ के निवासी सामान्य तरीके से जीवन बसर करते हुए इस कला को संरक्षित व संवर्धित कर रहे हैं। यही एक परिवार है वुड कार्विंग शिल्पकार का, जिसकी तीसरी पीढ़ी तक ये कला चली आ रही है। करोमा गांव निवासी अशोक बताते हैं कि उनके दादाजी ने ये कला सिखाई थी। पहले मेरे दादाजी काम करते थे लकड़ी का, उनके करते करते तो हमारे पिताजी इस काम में आए, वो भी काम को आगे बढ़ाए और उसमें धीरे धीरे हम लोग भी इसी काम में, लकड़ी के काम में आ गए। यही काम धीरे धीरे हम लोग का चलता रहा, यही हम लोग का धंधा है। करोमा लकड़ी है, जैसे पैन स्टैंड हो गया, डिब्बी हो गई, बड़ा बॉक्स हो गया, बड़े छोटे डिब्बी, बड़ी डिब्बी, कई साइज़ की डिब्बियाँ हैं हम लोगों ने बनवाया। और इसका जो बुद्धा वगैरह भी छोटे बड़े बहुत सारे साइज़ के हमने बुद्धा भी बनवाते हैं। वुड कार्विंग आर्ट के एक शिल्पकार हैं वाराणसी के लहरतारा क्षेत्र में रहने वाले प्रेम शंकर। ये बीते लगभग 70 वर्षों से वुड कार्विंग का काम कर रहे हैं। इनकी कलाकृति इतनी खूबसूरत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सम्मानित भी किया है। वर्तमान में इनके बनाए बाबा विश्वनाथ के मॉडल की प्रशंसा हो रही है। लेकरवेयर और वुड कार्विंग में अंतर यह है कि उनकी लकड़ी यूकेलिप्टस होती है, हम लोगों का कैमा होता है। और दूसरी बात, वो टोटल पेंटिंग के द्वारा बनती है और हम लोग जो है कार्विंग करके उसी आइटम को बनाते हैं। तो इसलिए जो है दोनों में ये अंतर है। और ये हमारा बहुत ही पुराना क्राफ्ट है, मुगलिया सल्तनत से है। हम लोग पहले हाथी दांत के काम करते थे और अब जो है ये कैमा लकड़ी पे बन रहा है। अब इस समय में सर हमारे जितने भी कारीगर हैं गांव-गांव में फैले हुए हैं और अपना वहीं से काम करते हैं। सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जिसकी वजह से लोगों का कुछ व्यवसाय अब चल रहा है। वुड कार्विंग आर्ट के कलाकारों का परिवार सामान्य है। वे अपने पारंपरिक कला को जीवंत रखते हुए परिवार चला रहे हैं। कुछ कलाकार तो सामाजिक जीवन में संघर्ष करते हुए भी इस कला को बचाए रखे हैं। विशेषकर दूसरे अन्य कामों को करने में निश्चित सफलता का अंदेशा ना होने के कारण इस वुड कार्विंग आर्ट को अपनी जीविका का साधन बनाए हुए हैं। सरकार इन वैश्विक शिल्पकारों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए आज के बदलते परिवेश में इन्हें नए रूप में बाजार में प्रस्तुत कर रही है। सरकार कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के इन कला के उत्पादों को आगे बढ़ा रही है। बेजान लकड़ी में अपने शिल्प से जान फूंकने वाले काष्ठ शिल्पियों को व्यवसायिक रूप से नव जीवन देने के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने गैर कृषि उत्पादक संगठन बनाकर एक नई शुरुआत की है। इस निर्माता संगठन में इससे जुड़े शिल्पकार ही इसके मालिक होंगे। मैं
नाबार्ड द्वारा वाराणसी में जो हमारी वुड कार्विंग क्राफ्ट है उसमें गैर कृषि उत्पादक संगठन कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत कराया गया है। यह एक परियोजना है जिसके तहत लगभग 200 आर्टिजन को एकत्रित करके और इस क्राफ्ट में किस तरह से व्यावसायिक रूप से कार्य किया जा सकता है उसमें हम लोगों ने सभी आर्टिजन्स को एवं बोर्ड मेंबर्स को प्रशिक्षित करके उनको इसमें व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया है। यह अपने आप में एक बहुत ही अलग प्रकार की परियोजना है। इस परियोजना के कई फायदे हैं, जैसे कि जो इनपुट लागत है, अगर कारीगर एक साथ अपने रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो उनकी जो इनपुट लागत है वह कम हो जाती है, और साथ ही साथ जब वो बड़े स्तर पर आर्टिजन्स जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने उत्पादों की तो उसकी जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है उससे जो उत्पादन की लागत है वह भी कम हो जाती है, जिससे कि जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको कुल मुनाफा काफ़ी बढ़कर मिल सकता है। और साथ ही साथ इनको रिवॉल्विंग फंड असिस्टेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि यह अपना व्यापार और उसकी वर्किंग कैपिटल की जो शुरुआती जरूरत है उसको पूरा कर सके। सरकार ने जनपद के अनुरूप पहचान बने वहां के उत्पाद को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, एक जनपद एक उत्पाद, यानी ODOP के तहत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि शिल्पकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नया बाजार उपलब्ध हो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा वर्ष 1979 में प्रारंभ की गई थी। बाद के समय में इस योजना को विश्व के कई देशों में क्रियान्वित किया गया। ये शिल्पकारों की दशा व दिशा बेहतर करने की महत्वाकांक्षी अभियान है। इसके अंतर्गत एक नई उत्पादन और विपणन संस्कृति विकसित कर शिल्पकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत शिल्पकारों को मुफ्त आवश्यक टूलकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो अपनी ODOP योजना के तहत, IDPH योजना के तहत हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग कराई है, ट्रेनिंग के साथ में टूल किट दिलवाई हैं, टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही ODOP में इनके लोनिंग की व्यवस्था, मुद्रा योजना, ODOP मार्जिन मनी, ODOP टूल किट में हम इनको और जो इनके ज़रूरी आवश्यक इन लोगों से पूछ के वो सभी टूल किट्स हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। लगभग इनको हमारे द्वारा 900 के आसपास लकड़ी में जो है ये टूल किट IDPH योजना के तहत, और 75 जो हमारे हर वर्ष ODOP योजना के तहत इन लोगों को टूल किट्स और ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जा रही है। शिल्पकार की सुविधा के लिए सामान्य सुविधा केंद्र भी स्थापित करा दिए गए हैं, जिससे कि वुड कार्विंग के कलाकार एक छत के नीचे अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। कंपनी के माध्यम से आप लोगों को संगठन में लाने काम किया जा रहा है। जैसे पहले आप लोग असंगठित थे, जगह जगह पर आप लोग अपना अपना छोटा छोटा सामान बनाते थे, व्यापारियों को बेचते थे, व्यापारी आपका शोषण करते थे, परंतु श्री विश्वकर्मा वुड कार्बनिक प्रोडक्शन के माध्यम से जो है आप लोग को संगठित मिलाया गया, जिसके माध्यम से आप लोग अब क्या करेंगे, कंपनी को माल बेचेंगे, कंपनी और आप लोग एक दर निश्चित किया जाएगा। जो भी आप माल बनाते हैं, जो आप जैसे 6 रुपये बना रहे हैं या 10 रुपये बना रहे हैं, व्यापारी आपको 8 रुपये 7 रुपये में दबा के लेता था, शोषण करता था, परंतु कंपनी के माध्यम से आपको जो है एक दर निर्धारित किया जाएगा, ताकि जो असंगठित थे, जो आपका समाज असंगठित था और इस समय संगठित किया गया, क्योंकि संगठन के माध्यम से ये फर्क पड़ता है। जो आप लोग सारनाथ वगैरह जितने भी टूरिज्म एरिया में जाके माल बेचते थे, आप लोग व्यापारी द्वारा आप लोग को माल सस्ते में लिया जाता था, परंतु अब कंपनी के माध्यम से इसको जो है अच्छी कीमत पर बेचा जाएगा। हस्तकला विभाग द्वारा भी इन शिल्पकारों का कौशल विकास किया जाता है, जिसके तहत विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय समय पर करता है। प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल को ध्यान में रखते हुए सरकारी संस्थाओं के अलावा गैर सरकारी संस्थाएं भी इसमें मदद कर रही हैं, जिससे कि वुड कार्विंग आर्ट के शिल्पियों की समन्वित मूल्य श्रृंखलाओं तक बेहतर पहुंच हो सके।
वाराणसी की एक प्रमुख शिल्प है काष्ट कला, जो वुड कार्विंग के नाम से इसको पहचान मिली हुई है। ये अपने महीन कारीगरी की वजह से जानी जाती है और इसकी कारीगरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सराहा है और इससे कई सैकड़ों परिवार इस पे आज निर्भर हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। नाबार्ड के जरिए हमारी संस्था प्रगति पथ फाउंडेशन जो सहयोग कर रही है इन कारीगरों को संगठित करके एक प्लेटफॉर्म देने का, जहां पर ये मिलकर एक अपने आजीविका को बढ़ा सकते हैं, नए उत्पाद जो है उसको हम लोग अनुसंधान करें, उस पर नए उत्पाद को हम लोग मार्केट में लाएं। इसके लिए CFC के माध्यम से जो नाबार्ड के सहयोग से स्थापित की गई है वहां पर हम लोग नए प्रोडक्ट को खोजते हैं और उसको है उसका बढ़ावा देते हैं। अपनी सोच, लगन व अभिनव प्रयोग के बल पर शिल्पकार ग्लोइंग वुड कार्विंग आर्ट का आभा मंडल दमका रहे हैं।